भैया आज खाने में क्या है? मैडम खाने में तो बहुत कुछ है, ईट है, पत्थर है, मिट्टी है, बताओ क्या खाओगी? अरे ये क्या बदतमीजी है, हम आपसे खाने की डिशेस पूछ रहे हैं और अब ये सब क्या बोल रहे हो? अरे मैडम सही तो कह रहा हूँ, आप खाने का पूछ रहे हो ना, तो आप ही बताओ क्या खाओगी? ईट है, पत्थर है, मिट्टी है, जो खाओगी वो मिलेगा आपको। आपको हम बेवकूफ दिखाई दे रहे हैं क्या? आपने बाहर लिखा हुआ है स्पेशल राजमा चावल और यहाँ पर आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मैडम एक बात बताओ, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये काम का टाइम है, यहाँ पे काम चल रहा है और आप लोग फालतू में आया तो अपना मुंह उठा के और एक कैमरा लेकर। अरे भैया आप ये क्या बोल रहे हो, एक तो हम आपका प्रमोशन कर रहे हैं, ऊपर से आप हमसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। देखो मैडम मेरे को ना ये प्रमोशन वोशन के बारे में कुछ नहीं पता और मैंने तो आपको नहीं बुलाया यहाँ पे, आप लोग खुद ही मुंह उठा के आओ ना यहाँ पे। देखो मैडम आपको खाना खाना है तो बताओ, यहाँ पे छोले चावल है और राजमा चावल है, छोले चावल 50 रुपए, राजमा चावल 100 रुपए। अरे भैया आप हमें रेट क्यों बता रहे हो? अरे हाँ हाँ भैया आप हमसे पैसे क्यों मांग रहे हो? हम आपका खाना फ्री में टेस्ट करने आए हैं और उसके बदले हम आपकी वीडियो बना रहे हैं। आपको पता है इस वीडियो से ना आप कितने वायरल हो जाओगे, कितनी ज्यादा दुकान चलेगी आपकी। अरे तो मेरा खाना क्या हराम का है, आपकी तरह नहीं हूँ जो कहीं भी मुटा के चले जाऊँ मैं। देखो मैडम दिन रात मेहनत करता हूँ तब जाके कुछ पैसे कमाता हूँ मैं, और देखो काम का टाइम है, मेरा दिमाग मत खराब करो समझी, खाना खाना है तो खाओ वरना जाओ यहाँ से। अरे भैया आप तो बहुत ही बदतमीज हो। और आपको पता है हमें ना इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट से कॉल आते हैं कि आइए हमारा खाना टेस्ट कर लीजिए, और हम दोनों आज आपके ठेले में आए हैं और आप ऐसे बदतमीजी कर रहे हो। आपको पता है अगर ये वीडियो वायरल हो गई ना तो आप कितने फेमस हो सकते हो, और अगर आपकी बदतमीजी वायरल हो गई तो आपका ठेला बंद भी हो सकता है। अच्छा जी तो अब आप दोनों मेरे को धमकी दोगे? अरे जो करना ना कर लो, मुझे पता है मेरे ऊपर वाले को पता है कि मैं कितनी मेहनत से काम करता हूँ, मैं आप जैसे लोगों से डरता नहीं समझी। और रही बदतमीजी की बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी मेहनत की कमाई को हराम के कौन बना रहा है। कोई बात नहीं भैया, आपने जो बोला ना आप बोलते रहो, आप जानते हो आपकी सारी बात ना इस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी है, और एक बार मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी ना तो आप फेमस होने की जगह बदनाम हो जाओगे, फिर बेचते रहना अपने राजमा चावल घर पे बैठ के। अरे देखो तुम्हें जो भी करना ना कर लो, मैं डरता वरता नहीं समझी। एक मिनट, ये ठेला आपका तो नहीं है, क्योंकि सुबह जब हम खाना खाने आए थे तो यहाँ कोई और भैया खड़े थे और वो आपसे बहुत बेहतर थे, उनको बोलने की अक्ल थी, बुलाओ जरा उन्हें। अच्छा जी तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि बदतमीजी कौन कर रहा है और फ्री में खाना खा के कौन जा रहा है। भैया एक प्लेट राजमा चावल और एक प्लेट छोले चावल। मैम 200 रुपए की एक प्लेट है। हम नहीं देते पैसे वैसे, हम आपकी वीडियो बना देंगे और आपका प्रमोशन हो जाएगा। नहीं नहीं मैडम मेरे को कोई वीडियो नहीं बनवानी, मेरे को बस आप मेरे खाने के पैसे दे देना, मुझे कोई प्रमोशन नहीं करवाना। सुनो भैया अगर एक वीडियो डाल दी ना और उस वीडियो में ये बोल दिया कि आपका खाना गंदा है तो आपकी पूरी की पूरी दुकान ना बंद हो जाएगी, लगाओ चलो। ठीक है मैडम लगाता हूँ। तुम लोग को शर्म नहीं आती है, तुम लोग वीडियो का बहाना बनाते हो और बेचारे गरीब लोगों के यहाँ पे आके फ्री में खाना खाने चले जाते हो। तुम्हें पता भी कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, अरे दिन रात मेहनत करते हैं ना तब जाके कुछ पैसे कमाते हैं, और उसमें भी पूरा पैसा इनका नहीं होता है, इनके ऊपर भी कोई बैठा होता है जो इनसे हिसाब लेने के लिए आता है, और तुम लोग इनकी मेहनत के ऊपर लात मार रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। भैया हमें ना माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ भैया हमें माफ कर दीजिए, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ना हम किसी की मेहनत की कमाई नहीं खाएंगे और सबको पैसे देंगे, हमें फ्री का काम बंद कर देंगे, हमें माफ कर दीजिए। अरे अगर तुमको माफी मांगनी है ना तो मुझसे मत मांगो बल्कि उनसे मांगो। भैया हमें माफ कर दीजिए, हमने सुबह आपका खाना खाया और आपको पैसे भी नहीं दिए, इनके पैसे दे दो। हाँ एक मिनट, ये लीजिए भैया, पर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। मैंने तो मैं माफ किया, बस ध्यान रखना हम लोग बड़ी मेहनत मजदूरी से कमाते हैं, ऐसे किसी का दिल ना दुखाया कभी भी। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास सच में हो गया होगा, तो इसलिए अगली बार से किसी भी गरीब के हक का मत खाना समझी, निकलो यहाँ से। भैया ले लीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक